दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत हुई है जोनाथन से। आज उसके पेरेंट्स जोनाथन को प्रेप स्कूल में छोड़ने आए हैं। जोनाथन यहाँ अपने पेरेंट्स से गले मिलकर उन्हें बाय बोलता है। जोनाथन यहाँ पहुँच तो गया है, पर यहाँ उसके साथ क्या होने वाला है ये उसे भी नहीं पता। वो अपने रूम में पहुँचा है। यहाँ उसका सामना हुआ है रूममेट स्किप से। स्किप अपना इंट्रो देता है। जोनाथन भी अपने बारे में बताता है। इसके बाद स्किप ने अपने कीमती लिबास को दिखाया है। इन कपड़ों में स्किप बड़ा हॉट लग रहा है, और लगे भी क्यों ना, उसने लड़कियों के लिबास जो पहने हैं। ये रेड कलर का ब्रा है और पैंटीज है। ये सब देखकर जोनाथन शॉक्ड है। वो स्किप से पूछता है, तुमने इन कपड़ों को क्यों पहना है? स्किप कहता है, ये यहाँ का रिवाज है, जो भी नया यहाँ आता है उसे इस तरह के कपड़ों में सीनियर्स के सामने परेड करनी पड़ती है। जोनाथन कहता है कि उसके पास तो लड़कियों के कपड़े नहीं हैं। स्किप कहता है, आखिर तुम्हारा ये दोस्त किस दिन काम आएगा? मैं तुम्हें औरतों के कपड़े दूंगा। स्किप के देने पर जोनाथन ने ब्लैक कलर के इस कीमती लिबास को पहना है, पर स्किप ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। जब बाहर जाने की बारी आई तब वो खुद नहीं गया और जोनाथन को सबके सामने धोखे से भेज दिया। सारे लड़के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब जोनाथन का यहाँ मजाक बन गया है। वह यहाँ भागने की कोशिश करता है, पर हर तरफ इन हबसी लड़कों का साया है। अब अबला मर्द जाए भी तो कहाँ जाए। किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाते हुए वो पाइप के सहारे ऊपर चढ़ता है। अब जब वो अपने रूम में पहुँचा है तब स्किप अपने कपड़े बदल चुका है। वो भी जोनाथन पर हंसता है। इसके बाद वो उससे माफ़ी भी मांगता है। स्किप कहता है कि नए स्टूडेंट्स की रैगिंग ना हो तो मज़ा नहीं आता, पर जोनाथन है जो स्किप को माफ़ नहीं करना चाहता है। जोनाथन अब जहाँ भी जाता है लड़के उसे कहते हैं, जाने मन चलती है क्या 9 से 12। अब तो जोनाथन का बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। सभी लड़के उसे वासना भरी निगाहों से देखते हैं। आज मेस में लंच करने की बारी आई है। सारे लड़के जोनाथन को अपने पास बैठने को कहते हैं। सब उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो कोई खूबसूरत लड़की हो। कई लड़के कहते हैं, जाने मन हमारे पास बैठ जाओ, हमें भी फील दो। जोनाथन बेचारा परेशान है, वो इतना बदनाम कभी नहीं हुआ। स्किप उसे देखता है, जोनाथन की आंखों में आंसू है। स्किप को यह देखकर अपनी गलती का एहसास होता है। उसका बस चले तो जोनाथन के आंसू पोंछे दे, पर जोनाथन अकेले में बैठा खाना खाता है, फिर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। स्किप अब अपने रूम में पहुँचा है। यहाँ जो उसने देखा है उसके होश उड़ गए हैं। जोनाथन ने अपने आप को पंखे से लटका के अपनी जान दे दी है। ये सब देखकर स्किप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, पर फिर भी वो ज़मीन पर ही दौड़ता हुआ यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स के पास पहुँचा है। इन सभी के साथ स्टूडेंट्स को लिए वो यहाँ पहुँचता है। सभी दौड़ते हुए जोनाथन की डेड बॉडी को देखने आते हैं, पर जोनाथन ने स्किप को बेवकूफ़ बनाया है। उसने इस बार खुद को पंखे से उतार कर पुतला लटकाया है और इस पर स्किप का मजाक उड़ाते हुए अश्लील शब्द लिखे हैं। इसके साथ ही पुतले पर यहाँ के डीन का हेड लगाया गया है, यानी इस बार स्किप का मजाक बन गया। डीन स्किप को इस मजाक के लिए डांटता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ही मार दिया। उन्हें तो यही लग रहा है कि स्किप ने उन सब को बेवकूफ़ बनाया है। सबके जाने के बाद स्किप का सामना हुआ है जोनाथन से। जोनाथन कहता है कि हिसाब बराबर, इस तरह आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। दोनों आपको इस शहर की गलियों में चहलकदमी करते हुए दिख जाएंगे। शराब की दुकान में ये शराब खरीदने जाते हैं। स्टोर ओनर इनसे उम्र पूछता है। दोनों अभी माइनर हैं इसलिए दोनों अपनी उम्र छुपाते हैं। इसके लिए ये स्टोर ओनर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। इस तरह इन्हें ड्रिंक करने के लिए शराब मिल गई है। आज की रात दोनों साथ में बैठकर नशे में उड़ा रहे हैं। यहाँ दोनों अपने अपने सीक्रेट्स का खुलासा करते हैं। जोनाथन कहता है कि उसने सेट के स्कोर में चीटिंग की थी। स्किप भी बताता है कि उसने एक लड़के की जान ले ली थी, पर आज तक ये सीक्रेट है। पर बाद में स्किप जोनाथन पर हंसते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। जोनाथन यहाँ कन्फेस करता है कि आज तक उसने किसी लड़की के साथ संभोग नहीं किया, और यही एक टीस है जो उसे बहुत परेशान करती है। स्किप कहता है कि वो उसके लिए डेट का इंतजाम करेगा। आज की रात दोनों ड्राइव पर निकलते हैं। पास के गर्ल्स हॉस्टल से स्किप ने दो गर्ल्स को बुलाया है। दोनों गर्ल्स आती भी हैं। इसके बाद ये डेट पर निकलते हैं, पर रास्ते में ही इनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इन्हें वापस लौटना पड़ा है। इस तरह स्किप जोनाथन के लिए गर्ल्स का इंतजाम करता है, पर जोनाथन की किस्मत इतनी ख़राब है कि बात बन नहीं पाती। अब स्किप ने जोनाथन को शिकागो भेजा है। शिकागो में गर्ल्स इजली अवेलेबल हो जाती है। स्किप जोनाथन से कहता है, तुम्हें अपनी वर्जिनिटी को तोड़ना होगा, तभी तुम हमारे समाज में रह पाओगे, वरना हमारी नाक कट जाएगी। आज की रात जोनाथन शिकागो के एक क्लब के पास पहुंचा है। एक खूबसूरत लड़की को इसके अंदर जाते हुए देखता है।
जोनाथन भी इसके अंदर जाता है। यहाँ जाकर वो बार्टेंडर के सामने बैठा है तब उसकी नज़र एक खूबसूरत औरत पर जाती है। वो औरत भी जोनाथन को देखे जा रही है। जोनाथन को लगता है कि इस बार तो बात बन जाएगी। वो उसे अप्रोच करने उसके टेबल के पास पहुँचा है पर उसके पैर चेयर में उलझ गए। यहाँ उसका मजाक बनकर रह गया। ये औरत काफ़ी उम्र दराज है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। बेचारा जोनाथन हारा हुआ वापस लौटा है। यहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग गेम खेल रहे हैं पर जोनाथन अकेले में बैठा है। इतने में एक लड़की अगर जोनाथन को अप्रोच करती है, उसे लगता है कि जोनाथन उसके टाइप का है, पर थोड़ी देर में वो समझ गई है कि जोनाथन उसके टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ से चली गई है। इसके बाद वो उम्रदराज औरत जोनाथन के पास आई है। वो अपना नाम एलन बताती है। दोनों यहाँ के टॉल बिल्डिंग के टेरेस पर जाते हैं। एलन अपनी उम्र 40 साल बताती है। जोनाथन कहता है कि वो 18 साल का होने वाला है। इसके बाद जब दोनों लिफ्ट से उतरते हैं तब लिफ्ट में ही एलन जोनाथन के करीब आती है। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। पहले दोनों लिफ्ट में जिस्मानी संबंध बनाते हैं और फिर होटल रूम में संभोग करते हैं। इस तरह जोनाथन ने फाइनली अपना वर्जिनिटी का व्रत तोड़ दिया है। ये खुशखबरी उसने स्किप को अलग ही अंदाज में दी है। स्किप को ये जानकर हैरानी हुई है कि जोनाथन तो उसका भी बाप निकला। जोनाथन ने इतना लंबा हाथ मार लिया है। अब जोनाथन के चर्चे इस पूरे स्कूल में होने लगे हैं। हर कोई अब उसे बड़ा खिलाड़ी कहने लगा है क्योंकि उसने अपनी उम्र से दोगुनी उम्र से भी ज़्यादा औरत का हाथ मारा है। कुछ दिनों बाद जोनाथन फिर से एलन से मिलने पहुंचा है। दोनों मिलकर धुआंधार संभोग करते हैं। रात के अंधेरे में जोनाथन एलन के लिए बगीचे में फूल तोड़ने जाता है। सुबह उठकर एलन इन फूलों को देखती है। वो भी जोनाथन के साथ बेयर गेम खेलती है। दोनों यहाँ बच्चों की तरह लड़ते हैं। अब इनका अफेयर परवान चढ़ने लगा है। दोनों साथ में समंदर किनारे बैठे हैं। साथ में बैठे हुए ये आपस में एक दूसरे की लाइफ को शेयर करते हैं। जोनाथन एलन से कहता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। एलन कहती है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली मत लो, जब तक है तब तक है। वो उसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड बुलाती है। अगले दिन दोनों एक मॉल में शॉपिंग करने पहुँचे हैं। यहाँ जोनाथन के लिए एलन कुछ कपड़े सेलेक्ट करती है पर अचानक से वो गायब हो गई है। जोनाथन उसका पीछा करता भी है पर अब वो जा चुकी है। जोनाथन के पास उसका कोई एड्रेस नहीं है। वो तो उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानता। अब वो बड़ा उदास रहने लगा है। उसे एलन की बार बार याद आती है। स्किप उसे समझाने की कोशिश करता है पर सब बेकार। एक बार तो जोनाथन अपनी जान भी देने की कोशिश करता है। स्किप उसे बचा लेता है। स्किप कहता है, काश मैं जानता कि वो औरत कौन है, मैं उसे तुम्हारे कदमों में रख देता। कुछ दिनों बाद स्किप जोनाथन को क्रिसमस मनाने अपने घर लाया है। स्किप अपनी मेड से जोनाथन को मिलाता है। इतने में यहाँ एलन पहुँचती है। यहाँ पता चलता है कि एलन दरअसल स्किप की मदर है। ये सब जानकर जोनाथन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। यहाँ पता चलता है कि एलन को जब पता चला कि जोनाथन उसके बेटे के साथ ही स्कूल में पढ़ता है तब उसने उसे छोड़ने का डिसीजन लिया। पर एक बार फिर इन दोनों का सामना हुआ है। डिनर टेबल पर बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। जोनाथन और एलन अपने अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते। रात के अंधेरे में सबसे छिपकर एलन जोनाथन के कमरे में जाती है। वो अपने किए की माफ़ी मांगती है। जोनाथन कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम शादीशुदा हो और मेरे दोस्त की माँ हो। एलन अपनी सफाई में कहती है कि उसे नहीं मालूम था कि जोनाथन उसके बेटे का दोस्त निकलेगा। जोनाथन का भी गुस्से में है। इतने में यहाँ स्किप आ गया है। सम हाउ एलन यहाँ से निकल कर चली गई। स्किप अपने साथ वाइन की एक बॉटल लाया है। दोनों बोट में बैठे साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। जोनाथन कहते हैं कि उसका मन नहीं है। इस तरह स्किप अकेले ड्रिंक किए जा रहा है। यहाँ स्किप बताता है कि उसके पेरेंट्स की रिलेशनशिप काफ़ी नॉर्मल है। यहाँ जोनाथन कहना चाहता है कि उससे क्या गलती हो गई पर वो कह नहीं पाता। इस तरह क्रिसमस ख़त्म हो गया है। जोनाथन और स्किप वापस स्कूल पहुँचे हैं पर यहाँ एलन बार बार जोनाथन को फ़ोन लगाकर बातचीत करना चाहती है। जोनाथन उसे अवॉइड करता है पर अंत में दोनों होटल के एक कमरे में फिर से मिलते हैं। एलन कहती है कि वो अपनी रिलेशनशिप से खुश नहीं थी। उस दिन जब बार में उसने जोनाथन को देखा तब अपने आप को रोक नहीं पाई पर उसे नहीं मालूम था कि जोनाथन स्किप का बेस्ट फ्रेंड निकलेगा। वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए हालात जिम्मेदार थे। यहाँ दोनों बेहद करीब आते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ हमबिस्तर होते हैं। इतने में स्किप और उसके दोस्त होटल रूम में जोनाथन को चेयरअप करने पहुँचे हैं पर स्किप जब ये देखता है कि ये तो उसकी मदर है वो गुस्से में यहाँ से ड्राइव करता हुआ चला जाता है। जोनाथन उसे रोकने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। इस तरह इन दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई है। जोनाथन स्किप को समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं मालूम था कि एलन उसकी मदर निकलेगी। स्किप इस बात को स्किप करना चाहता है
वो कहता है कि इस बारे में वो बात नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद स्कूल ख़त्म होने को है, पर सेट स्कोर में चीटिंग हुई है इस बात की खबर मैनेजमेंट को लग गई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जोनाथन से पूछताछ की जाती है। जोनाथन इस बात से इनकार करता है कि उसने कोई भी चीटिंग की है। अब बारी स्किप की है। उसे पूछा जाता है कि क्या वो इस चीटिंग के बारे में जानता है। स्किप चाहे तो जोनाथन का नाम ले सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता। बाद में जोनाथन स्किप से मिलकर थैंक यू कहता है, पर स्किप उसे जोर का पंच मारता है और फिर चला जाता है। जोनाथन उसका पीछा करता है। वो भी उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। यहाँ दोनों में हाथापाई होती है। स्किप जोनाथन को मार मार कर अपना गुस्सा उतारता है। दोनों लड़ते हुए कीचड़ में गिरते हैं। यहाँ कीचड़ फाइट होती है। लड़ते हुए दोनों अपने कमरे में पहुँचे हैं। इनकी लड़ाई रूम में भी जारी है। अब तक दोनों ने अपने आप को जख्मी कर लिया है। इस लड़ाई के बाद स्किप ने जोनाथन को माफ़ कर दिया है। इस तरह दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।